नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। क्षेत्र में हुआ भंडारे का आयोजन, वार्ड 40 से निकाली गई भगवा ध्वज यात्रा, खेत में काम कर रहे एक युवक पर गुलदार ने किया हमला, वर्ल्ड चैंपियन बनने पर एशियन मेडलिस्ट राजीव चौधरी को किया गया सम्मानित, विद्युत विभाग टीम ने 3 लोगों को विद्युत चोरी करते पकड़ा, सहभागी परिवहन विभाग टीम ने अपने कार्यालय के लोगों को दिलाई शपथ, चिकन कॉर्नर के स्वामी ने 3 लोगों पर मारपीट कर जान से मारने का लगाया आरोप, बढ़ती ठंड से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने जलाए अलाव, राम भक्तों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। मैं डॉक्टर पुनीत सरना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर सरना स्किन एंड ब्यूटी क्लिनिक की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत अग्रवाल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, ENT केयर में कार्यरत हूँ। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। रामनगर रोड स्थित गुरु अमृतसरी स्वामी एवं खालसा फाउंडेशन द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिस दौरान 1000 से 1500 लोग उपस्थित रहे एवं भंडारा ग्रहण किया। श्री रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम मैंने कराया है भंडारा, जिनके आशीर्वाद से बाकी सारी काशीपुर की जो फाउंडेशन की टीम है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और ऊपर वाले की वजह से सब कुछ अच्छी कर रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी का खालसा मंडल निरंतर सेवा भाव से लगातार समाज में सेवा कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसके उपलक्ष्य में खालसा फाउंडेशन व गुरु अमृतसरी सजीव और उनके सहयोग से ये जो है एक भंडारे का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें जो है अभी काशीपुर की सम्मानित सभी जनता से हम आग्रह करते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पहुँचें और प्रसाद ग्रहण कर श्री राम का आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। सर, अभी तक लगभग कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है? अभी तक लगभग 1500 लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया और प्रभु की इच्छा तक भंडारा चलाने की हमारी। आज भंडारा किया जा रहा है, राम हो रही है, उस समय में ये काम चल रहा है और ये बड़ा अच्छे अच्छे कार्य हमारे यहाँ पे खालसा फाउंडेशन की तरफ से लोग। आज ये तो पहला कार्य नहीं है इनका, इसके लिए इन्हें अभी पिछले दिनों यहाँ पर थाने में बकायदा SSP साहब की तरफ से शील्डें गिफ्ट करके इन्हें इनका प्रोत्साहन बढ़ाया गया। इनका कार्य वाकई ही एक सराहनीय कार्य है, शहर की जनता के लिए, गरीबों के लिए कंबल बांटने, चादरें बांटने, समय समय पर भंडारे करते रहना, सर्दियों में देखना तो कहीं किसी के लिए अगर कहीं पिछड़े में भंडारे हो गया पीने के लिए, मतलब जिस तरह की भी इनकी रहे सेवा मिलती है ये सेवा करते हैं। और अभी पिछले दिनों तक इन्होंने पंजाब में जाके बड़ी अच्छी सेवा करी है वहाँ पर, जिसका कि इन्हें मतलब जितना इनको कहा जाए, जितना अच्छा कार्य उन्होंने कराया है, जितनी की पढ़ाई की जाए वो कम से कम। देखिए, पहले तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ खालसा फाउंडेशन, जो काशीपुर में जो संस्था हमारे भाइयों की चल रही है, और देखिए इसमें नाम ही खालसा का जुड़ गया, तो मैं एक बात मानता हूँ कि खालसा का मेन काम ही सेवा भाव करना है। ऐसा गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब जोड़ा, खालसा को जोड़ा, जब खालसा का सृजन किया, तो उनका मेन लक्ष्य ये था कि समाज के हितों के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर देना, ऐसा खालसा सृजित किया हमारे गुरु ने। तो ये काशीपुर में खालसा फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम भी इनके साथ सहयोग करते हैं, और ये लोग मैं मानता हूँ, अभी जैसे हमारे अभी डंपी भाई ने, हमारे महामंत्री जी ने ये बात कही है कि कैसा भी सेवा कार्य काशीपुर में हो, खालसा फाउंडेशन सदैव आगे रहती है। कोई भी नगर कीर्तन हो, शोभा यात्रा हो, उसमें इनका योगदान बढ़ चढ़ कर रहता है। और उसी के ही कड़ी में, श्रृंखला में आज एक बहुत अच्छा भंडारा, जो प्रभु श्री राम के नाम से कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रभु श्री राम की, सारा देश राम में, सारा विश्व राम में है,
बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग के हमारी पीढ़ी, हमारा ये जो माशरा है, हम देख पाएंगे कि 500 साल पुराने इंतजार और एक मन के भाव के साथ राम मंदिर का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी के निमित्त आज यहाँ खालसा फाउंडेशन वालों ने एक बहुत ही भव्य एक भंडारे का आयोजन किया है। लोग आ रहे हैं, पूड़ी और मैं देख रहा हूँ पूड़ी और तवाम, साथ में छोले हैं, सब्जियां हैं और बच्चे बुजुर्ग और आने वाले राहगीर और लंगर का प्रसाद ले रहे हैं और धन्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस लंगर में, इस भंडारे में प्रभु श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है और जहाँ प्रभु राम का नाम जुड़ जाता है वहाँ वो अपने आप प्रसाद अमृत हो जाता है। तो मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि मैं खालसा फाउंडेशन वालों को पुनः बहुत बधाई देता हूँ और इनको परमपिता परमेश्वर और ताकत बख्शे कि ये और अन्य समाज के कार्यों को इसी तरह पूरे तन मन और धन के साथ इसको पूरा करते रहें और समाज में एक अच्छा संदेश इनका जाता रहे। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो जो खालसा फाउंडेशन है उसने जो आज भंडारे का आयोजन किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, जो खालसा फाउंडेशन है हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। जब भी कोई परेशानी समस्या आती है तो खालसा फाउंडेशन वहाँ पहुँच जाता है। अभी कुछ टाइम पहले जो ड्राइवर्स को परेशानी हुई थी तो यूपी में खालसा फाउंडेशन ने उन लोगों को खाना दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब जो आज भंडारे का जो आयोजन किया गया है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो अयोध्या में रामलला की जो स्थापना हो रही है तो उसकी वजह से जो 22 तारीख का हमारा आयोजन है उसकी वजह से हमने आज 21 जनवरी को भंडारे का आयोजन किया है कि ये जो प्रसाद है ये सभी लोगों को मिल जाए और सभी लोग इससे गौरवान्वित हो सकें कि अयोध्या में रामलला की स्थापना हो रही है। और मैं सभी भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और सभी उत्साह का विषय है और सभी लोग भंडारा देख सकते हैं, आप लोग हंस रहे हैं। तो पुनः फिर बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेशवासियों का और सभी लोगों का। धन्यवाद। मैं मनीष कुमार, नेशनल फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर, समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर गिरीश सिंह तिवारी, पूर्व प्रदेश मेडिकल चिकित्सा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड। चतुर्वेद गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर गजानन महादेव मंदिर कुमाऊं कॉलोनी अलकनंदा विहार वार्ड नंबर 40 से भगवा ध्वज यात्रा निकाली गई। आपको बता दें यात्रा आज दोपहर 11:30 बजे से मानपुर रोड स्थित सरकारी विद्यालय कुमाऊं कॉलोनी से निकाली गई, जिस दौरान 108 मीटर लंबा भगवा ध्वज आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही विभिन्न प्रकार की झांकियां भी इस यात्रा का आकर्षण रही। वही सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोतवाली पुलिस एवं सीपीयू टीम ने कमान संभाली। बता दें इस अवसर पर मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय ने 4 लोगों को सम्मानित भी किया। मैं सभी भक्तों से पहले तो जय श्री राम बोलूंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा जय श्री राम का नारा बोलें। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा आज वार्ड नंबर 40 कटनाल गाजी में मेरे सहयोगी जितने भी लड़के हैं उन्होंने सहयोग कर जो है 108 ध्वज का जो है
पद यात्रा संचलन किया है, जो कुमाऊं कॉलोनी से निकलकर मानपुर रोड स्टेडियम से होते हुए मैन चौराहे से लेके फिर मानपुर रोड से कुमाऊं कॉलोनी को जाएगा और वहीं इसके यात्रा को समाप्त किया जाएगा। बाकी लोगों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो यात्रा में किस प्रकार जुड़े? काशीपुर से मैं यही आग्रह करूँगा, जितने ही अपने राम भक्त हैं, अपने हिंदू व्यक्ति हैं, वो राम को ना भूलें, ताकि जो है अपने हम हिंदुत्व को बचा सकें। स्टेडियम चौराहे से लेकर के एक शोभा यात्रा निकल रही है, जो कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग इस यात्रा को हम देख रहे हैं कि आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोगों ने जो है भगवान श्री राम के लिए अपने को एकदम से मन भाव से समर्पित किया हुआ है और श्री राम के ही नारे लग रहे हैं। यह लोगों की आस्था है। नगर निगम अपने स्तर से सफाई कर रहा है, सभी को आस्था के लिए हमारा सम्मान है। मैं मानवेंद्र सिंह मानस, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा, आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर राहुल सिंगल, सिंगल क्लिनिक और एंडोन्यूरो सेंटर की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अग्रवाल हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, काशीपुर। मेरी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। काशीपुर क्षेत्र मानपुर रोड स्थित जीवन रेखा अस्पताल के पीछे से ढेला नदी किनारे खेत में एक व्यक्ति किशन कुमार उम्र 40 वर्ष के ऊपर गुलदार ने हमला कर दिया। आपको बता दें, यह घटना आज सुबह 11 बजे की है, जब किशन कुमार ढेला नदी के किनारे खेतों में घास काट रहा था, तभी अचानक पीछे से एक गुलदार ने किशन कुमार के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बात तो करने पड़ता है। सर, ये मानपुर निवासी नन्नू है, जिसे जिसका निकनेम नन्नू कहते हैं हम। तो ये ढेला नदी किनारे के चनालगाजी में अपना देसी भाषा में कहे तो सरकड़ा यानी कि पूला काटने गया हुआ था खेतों में। उस वक्त ये जब काट रहा था तो 11:15 के बीच में तेंदुए ने इससे पीछे से हमला करा है, जिसमें इससे सर पे पंजे भी लगे हैं, इसका कान पे मुँह लगा हुआ है और जख्म काफ़ी गहरे हैं। सर, ये 11:15 की घटना है और ये अभी हम इसे उठा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाए थे, तो इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें डॉक्टर ने कुछ स्टिचेस कर दिए हैं, कुछ अभी हो रहे हैं, उसमें भी टाइम लगेगा तो बता रहे हैं। फिलहाल इसकी फैमिली को और वन विभाग को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो भी मौके पर पहुँच रहे हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी ने वर्ल्ड चैंपियन बनने पर एशियन मेडलिस्ट राजीव चौधरी को फूल माला पहनाकर शॉल उड़ाकर व बुके देकर सम्मानित किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा, पूर्व एमपी महेंद्र पाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल, पूर्व विधायक संजीव आर्य, मेयर मीना शर्मा और महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। काशीपुर विद्युत विभाग टीम लगातार विद्युत चेकिंग अभियान चला रही है, जिस दौरान थाना आईटीआई क्षेत्र में ग्राम मुकुंदपुर में 3 लोगों को विद्युत विभाग टीम ने मौके पर विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा। साथ ही पकड़े गए तीनों लोगों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 135 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़क सुरक्षा महा अभियान में सहभागी परिवहन विभाग टीम ने अपने कार्यालय में सभी लोगों को शपथ दिलाई। सभी ट्रैक्टर ट्रॉली में फ्री रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को गुलाब के फूल देने के साथ ही रोड सेफ्टी पैम्फलेट भी बांटे गए और सभी वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने के निर्देश दिए गए। एक चिकन कॉर्नर के स्वामी ने कुछ लोगों पर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, चिकन कॉर्नर के स्वामी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 19 जनवरी को रात्रि 3 युवक उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, जिस दौरान वो नशे में थे। खाना खाते हुए तीनों होटल के कर्मचारियों से बदतमीजी करने लगे और उन्हें टोकने पर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर गाली गलौज करने लगे। इस दौरान आरोपियों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनकी जाँच शुरू कर दी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में लगातार बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए नगर निगम टीम ने विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाए हैं। आपको बता दें, बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए व्यापारियों, स्थानीय लोगों व यात्रियों को ठंड में राहत मिल सके, इसके लिए नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। बहुत ज्यादा ठंडक पड़ रही है, लोगों से आग्रह है कि विधिवत कपड़े वगैरह बांध के निकलें, सर को जरूर ढक के रखें, पाला भी पड़ रहा है क्योंकि ये आपको बीमार कर सकता है, बच्चों को, जानवरों को विशेष देखरेख की आवश्यकता है। नगर निगम के स्तर से ऐसे सार्वजनिक स्थल जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में जन समूह इकट्ठा होता है वहाँ पे हम अलाव जलवा रहे हैं। ताड़ा प्रताप चौक है, रोडवेज है, रेलवे स्टेशन है, स्टेडियम चौक है, टांडा तिराहा है, गंगे बाबा मंदिर है, इस तरीके की जगह हैं जहाँ पर हम निरंतर अलाव जला रहे हैं, उसका भी फायदा उठाइए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शीतलहर की स्थिति है, अपना बचाव करें, परिवार का बचाव करें, बच्चों का विशेष ध्यान दें, जानवरों का भी ध्यान दें। अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों ने भाजपा नेता डॉक्टर यशपाल रावत के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से चीमा चौराहा होते हुए माता मंदिर रोड से रतन रोड की ओर से किला तिराहा व मुख्य बाजार पार करते हुए महाराणा प्रताप चौक से पुनः रामलीला मैदान तक भव्य यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में राम भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। आपको बता दें, शोभा यात्रा के दौरान राम भक्तों ने घर घर जाकर अक्षत वितरण किया एवं शोभा यात्रा के समापन के बाद रामलीला मैदान काशीपुर में एक भंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ भाजपा नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों को बधाई दी, साथ ही राम भक्तों से 22 जनवरी को दिवाली मनाने का आह्वान भी किया। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से।